हेलो गाइस, आ गया फिर से आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेके। दाल स्पेशल है और देखना जरूर पूरा वीडियो गाइस। चलते हैं, ये स्पेशल दाल बनती कैसी है, सो चलते हैं किचन में। तो आज के रेसिपी के लिए ऑनियन, पोटैटो, टमाटो, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, रॉयल गरम मसाला, तुर दाल और मूंग दाल। अभी ऑनियन, बटाटा, टमाटा, अभी इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे हमें कुकर में ही पकाना है, सो हमने इसलिए कुकर में लिया है। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी थोड़ी सी, और इसको हम मिक्स करेंगे। उसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। उसको मिक्सचर कर देंगे। अभी हम इसको कुकर में पकाने रखेंगे 3 सीटी तक। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे कि ये हमारा कुकर में 3 सीटी के बाद पक चुका है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा तेल डालेंगे, एग्जैक्टली 3 स्पून। उसके बाद 1/2 स्पून जीरा, 1/2 कड़ी पत्ता। अदरक लहसुन लिया था उसका हमने पेस्ट कर दिया है, अदरक पेस्ट उसके अंदर डालेंगे और इसको तरीके से मिलाएंगे। इतना तैयार हो चुका है और हमने गैस भी स्लो कर दिया है। अब उसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच और उसके साथ उसको मिक्सचर कर देंगे। अभी हम उसके अंदर दाल डाल देंगे जो हमने पकाई हुई थी 3 सीटी के साथ। इसको गाइस ग्राइंड करना नहीं है, जिससे हम स्टार्टिंग में जो किस किस दाल के साथ हम ग्राइंड करते हैं उस दाल को ग्राइंड करते हैं, हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है गाइस। अभी हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और सबसे मेन थिंग जो हमारी स्पेशलिटी होगी, गरम मसाला 1/2 स्पून। इतना होने के बाद हमें इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पे उबालना है, ढककर। इसको हम ढककर 5 मिनट तक उबालेंगे, उसके बाद हमारी दाल हो जाएगी तैयार। ये हमारी आफ्टर 3 सीटी।
और इसमें निकाल के हमारी दाल हो चुकी है तैयार। आपने देखा हमारी स्पेशल दाल कैसे बनी। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना जरूर, ताकि आपको पता चले कि हमारी नई अपडेट्स कब आएगी और वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा। सो बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।